भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय टीम के नए उपकप्तान का कर दिया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आखिर बीसीसीआई ने किस स्टार खिलाड़ी को बनाया है भारतीय टीम का उपकप्तान, बताएंगे उस खिलाड़ी का नाम आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, भारतीय टीम को जल्दी साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई भारतीय टेस्ट स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बनाया है। जब विराट कोहली भारतीय कप्तान हुआ करते थे तब रोहित शर्मा को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब जब रोहित शर्मा को टीम इंडिया की कप्तानी में जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि टीम इंडिया के नया उपकप्तान कौन होगा। ऐसे में बीसीसीआई ने इन सब से पर्दा हटाया है और बीसीसीआई ने भारतीय टीम के नए उपकप्तान का ऐलान भी कर दिया है। इसके लिए दो खिलाड़ी का नाम सबसे आगे चल रहे थे, केएल राहुल और ऋषभ पंत का नाम। कयास लगाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत को लंबे समय को देखते हुए उपकप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन बीसीसीआई ने केएल राहुल को नया उपकप्तान बनाया है। बीसीसीआई ने केएल राहुल को भारतीय टीम की उपकप्तानी सौंपी है। अब देखना होगा केएल राहुल इस पद पर रहते हुए कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, केएल राहुल के उपकप्तान बनने पर आपकी क्या है राय, नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।